हाय वेद, कैसे हो आप सब? तो आई होप ऑल आर डूइंग वेल। तो आज मैं जा रहा हूँ शनिवारवाड़ा। ये है शनिवारवाड़ा जाने के लिए अंदर का गेट। जैसे हम एंटर कर रहे हैं, आप देख सकते हो शनिवारवाड़ा की ये है फ्रंट वाली साइड जहाँ से हम एंटर कर रहे हैं। तो चलो चलते हैं आगे। शनिवारवाड़ा के अंदर एंटर करने के पहले आपको कुछ टिकट लेना पड़ता है। जहाँ से पहले टाइम में यहाँ पे टोकन दिया जाता था, अभी यहाँ पे QR है, आप देख सकते हो। इस QR पे आपको स्कैन करना पड़ेगा, तब आपको ऑनलाइन टिकट मिलेगा, तब आप किले शनिवारवाड़ा के अंदर एंटर कर सकते हो। तो फाइनली हमें यहाँ पे पहले सिस्टम था कि अंदर जाके कैश देने के बाद टोकन मिलता था, बट अभी हमें ऑनलाइन टिकट बुक करना पड़ रहा है। देखो 40 रुपीज़ चार्जेस है 2 पर्सन के, आप देख सकते हो यहाँ पे। तो चलो चलते हैं हम अंदर। ये देख रहे हैं आप, यहाँ पे मतलब पहले फाउंटेन के टाइप में था कुछ। तो यहाँ पे लोग मतलब जो राजा वगैरह थे उस टाइम पे, उनको थोड़ा सा एक हैप्पी मोमेंट के लिए उन्होंने यहाँ पे फाउंटेन वगैरह बनवाया था। आप देख सकते हो यहाँ पे ये पूरा जो आर्किटेक्चर बचा हुआ है, ये बस लकड़ी का है खाली। यहाँ पे कुछ मतलब आग लग गई थी इस शनिवारवाड़े को, तो मुझे लगता है इस आग में सब कुछ जल के खाक हो गया था। तो बस थोड़ा कुछ बचा है तो मैं आपको दिखाने का ट्राई करूंगा। आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ जो पिलर वगैरह बना हुए थे कोलैप्स हो चुके हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे बस पत्थर वगैरह बचे यहाँ पे, और ये जो है उस टाइम का लोखंड हुआ करता था, अभी भी इतना स्ट्रांग है। आप गेस कर सकते हो कितना इसका वेट होता होगा। तो चलो हम पूरा आउटसाइड लेने का कवर करेंगे। ये हुआ था उस टाइम में गार्डन, आप देख सकते हो थोड़ा सा आउटर व्यू। जब पेशवा वगैरह हुआ थे उनके, जब सैनिक वगैरह हम लोग उनके राजा वगैरह हुआ करते थे, प्रधान वगैरह, तो दैट टाइम वो यहाँ पे आके थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने के लिए उन्होंने यहाँ पे गार्डन बनाया हुआ था। तो फाइनली मैं अभी आ चुका हूँ अंदर शनिवारवाड़ा। शनिवारवाड़ा एक हिस्टोरिकल प्लेस है, मतलब पूरे वर्ल्ड में शनिवारवाड़ा अभी देखने के लिए बहुत कुछ था पहले, बट शनिवारवाड़ा को आग लग गई थी, दैट्स वाई ये पूरा जल्दी राख हो चुका है। शनिवारवाड़ा में मेजोरिटी जो इक्विपमेंट्स वगैरह थे सबसे ज़्यादा थे लकड़ियों से बने हुए, तो उनमें से कुछ तो बचा है थोड़ा बहुत, तो मैंने आपको वीडियो में दिखाया है। और बाकी का कुछ जो घोड़े वगैरह हमारे होते ना हॉर्सेस वगैरह, उनको बांधने के लिए जो तो जगह होती है वहाँ पर हम जाएंगे और सबको देखने का ट्राई करेंगे। चलो मिलते हैं आगे। तो यहाँ पे गणपति राम नमः
पड़ते शनिवार कंसर्ट ओरिजिनल इज अ प्लान ऑफ द शनिवार प्लेस वॉज वेरी सिंपल एंड एलिजेंट ओनली द दीवाना खान आर द मेन ऑडियंस कंटेन सम ऑर्नामेंट दीवाना खान वॉज ऑल्सो कॉल्ड एज गणपति रंगभवन द डिजाइन एंड बिल्ड बाय बालाजी बाजीराव 1740 गणपति श्रीमंत पेशवे यहाँ पे उनकी बैठक हुआ करती थी उस टाइम पे जहाँ पे मुझे कुछ डिसीजन लेना वगैरह हो तो यहाँ पे वो आते थे ऑफिस पे आते तो अब देख रहे हैं यहाँ पे मैं आ चुका हूँ जब उस टाइम पानी स्टोर करने के लिए बनाया था। आप देख सकते हो यहाँ पे अंदर विंडोज़ वगैरह भी बनाए हुए और कितना डेप्थ तक है आप गेस कर सकते हैं। यहाँ पे ये पूरा ओरिजिनल एंशिएंट टाइम का बचा है, इसमें कुछ मॉडिफिकेशन वगैरह नहीं किया है। तो आप मेरे सामने देख रहे हो एक गेट है जहाँ पे ना कैदियों को बंद करने के लिए बनाया हुआ था। ऐसे बहुत सारे गेट्स हैं अंदर, मैं अंदर नहीं जा पा रहा हूँ बिकॉज वो लॉक है। चलो चलते हैं आगे। आप देख सकते हो यहाँ पे जो ब्रिक्स है ना मेरे हाथ में वो उसी टाइम के जब नाना पेशवे वगैरह हुआ करते थे उसी टाइम पर, इसमें कुछ अलग डिफरेंस नहीं है। उसी टाइम के मॉडिफिकेशन वगैरह ब्रिक्स का नहीं किया है इन्होंने, बस यही तो इतना अच्छा रखा है। गणेश दरवाजा हुआ करता था दैट टाइम पे, यहाँ पे 25 सैनिक हुआ करते थे इस टाइम, मतलब इसके पास में थोड़ा गणेश दरवाजा है, दैट्स व्हाई इसको गणेश दरवाजा ही नाम से बोला जाता है। मतलब मुझे लगता है उस टाइम पे गणपति की एंट्री होती होगी इस शनिवारवाड़ा के अंदर। तो चलो अभी तो बारिश आ रही है, देखो मैं शूट करने का ट्राई करूँगा। चलो देखते हैं आगे, थोड़ा हम शूट करेंगे बस, बारिश तो बहुत आ रही है। आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा भी है गणेश दरवाजा, द गेट नियर नियर वेस्टर्न वॉज नोन एज गणेश दरवाजा ओविंग द प्रॉक्सिमिटी ऑफ द फेमस गणपति रंगमहल एंड गणपति टेम्पल 25 गार्ड्स हुआ करते थे यहाँ पे। हम जा रहे अभी है यहाँ पे शनिवारवाड़ा के बैक साइड, मतलब मैंने मेजोरिटी वीडियोज देखे वहाँ पे, कहीं पे मुझे नहीं मिला है बैक साइड का शूट वगैरह, तो मैं करने का कोशिश करूँगा। ये देखो कैदियों के लिए जेल, आप देख सकते हो यहाँ पे। ये उसी टाइम के पत्थर है यहाँ पे, आप देख सकते हो मेरे सामने जो वाटर रिजर्वायर है यहाँ पे ना, किले में उस टाइम 1000 से ज्यादा लोग रहते थे, उनके लिए पानी के लिए स्टोरेज के लिए बनाया हुआ है। आप देख रहे हो नीचे यहाँ पे ना, मतलब ये जो आपको सामने दिख रहा है ये क्या था पता है, जब उसी टाइम नहाने के लिए वगैरह हुआ करता था, मुझे लगता है इसके अंदर भी कुछ तो ग्राउंड वगैरह होगा जहाँ पे रहने के लिए जगह होगी, तो उसी टाइम वो राजा महाराजा रहते थे पेशवा लोग। तो चलो देखते आगे, कुछ देखने का ट्राई करते हैं भाई। कुछ भी वीडियो शूट वगैरह करते हैं ना तो बहुत प्रॉब्लम आती है। मैं अभी शनिवारवाड़ा में हूँ यहाँ पे ऊपर, अभी इतनी सारी बारिश हो रही है, सीरियसली आप देख सकते हो कितना अच्छा व्यू है यहाँ पे, मतलब बहुत ही अच्छा शनिवारवाड़ा है।
आपको ये एक बार विजिट कीजिए। ये देखो भाई, ये शनिवार वाले का पूरा अपर साइड से लिया वाला भी भाई। यहाँ पे सैनिक लोग रुका करते थे उसी टाइम जब एनिमी वगैरह आता था ना उस टाइम, तब के लिए यहाँ पे सैनिक रुकने के लिए जगह थी। तो मैं अभी जा रहा हूँ आगे, देखते आगे भी कुछ है जो राजा महाराजा रुकने के लिए जगह थी। चलो वहीं पे जाएंगे, थोड़ा बारिश की वजह से मैं नहीं जा पा रहा हूँ। तो चलो मिलते हैं आगे। ये देखो ऊपर से व्यू है ये शनिवार वाड़े का, ये पूरा 360 व्यू है। ये है सेकंड फ्लोर जहाँ पे हम जा रहे हैं अंदर। ये देख सकते हो यहाँ पे सीक्रेट रास्ता है। ये पोर्च हुआ करता था देखने के लिए, उसी टाइम बाजीराव पेशवे यहाँ आकर देखते थे ऊपर से कोई इनमें आया है या नहीं। ये वाला है फ्रंट व्यू जहाँ से हम शनिवार वाड़ा के अंदर एंटर करते हैं। ये देख सकते हो गार्डन, ये देखो बनियान ट्री कैसा है, बहुत पुराना है। आगे तो बहुत सारी पब्लिक है। ये देखो फ्रंट वाला व्यू। अभी चल रहे हैं हम यहाँ पे अंदर जहाँ पे बाजीराव पेशवे यहाँ पे रुका करते थे जब कोई नया राजा वगैरह आता था तो उनका वेलकम करने के लिए ये था उसी टाइम पे। चलते हैं, तब तक टेक केयर, बाय।